ट्रेन से निकलती रही चिंगारियां फिर भी 12 किलोमीटर तक बिना रुके दौड़ती रही। रेल पटना नई दिल्ली से पलवल जाने वाली शटल कार रुसाविटी स्टेशन के पास ब्रेक डाउन होने के कारण पहिए से चिंगारी और धुआं निकलने लगा। जब धुआं कोच में भरा तो यात्रियों में अफरा तफरी मच गई। ट्रेन के रुकते ही यात्री बचाव के लिए एक दूसरे पर कूद पड़े, कईयों को हल्की चोटें भी आईं। इस दौरान ब्रेक रिलीज किए बगैर ही करीब 12 किलोमीटर तक ट्रेन दौड़ती रही। हैरानी की बात यह है कि आए दिन हो रहे ट्रेन हादसों के बाद भी रेलवे अधिकारी लापरवाही करने से बाज नहीं आ रहे। गनीमत रही कि किसी यात्री को गंभीर चोट नहीं आई। यह घटना शनिवार देर शाम की है। शनिवार रात नई दिल्ली से पलवल जाने वाली 64082 शटल रात करीब 7:30 बजे असावटी स्टेशन पहुंची। इसी दौरान शटल के आगे से चौथे नंबर कोच का ब्रेक जाम हो गया। इससे पहिए से चिंगारी निकलने लगी। इससे कोच में धुआं फैलने से यात्रियों में अफरा तफरी मच गई। ट्रेन के असावटी स्टेशन पर रुकते ही यात्रियों में भगदड़ मच गई। यात्री एक दूसरे के ऊपर कूदने लगे। कई यात्री प्लेटफॉर्म पर कूदे तो कई रॉन्ग साइड की ओर कूद पड़े। इस ट्रेन में सफर कर रहे रेल पैसेंजर एसोसिएशन के प्रधान प्रकाश मंगला ने बताया कि इस भगदड़ में कई यात्रियों को मामूली चोटें भी आईं। उनका कहना है कि गनीमत रही कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। प्रकाश मंगला ने बताया कि शटल के चालक और गार्ड ने कोच को चेक किए बगैर ही ट्रेन को करीब 12 किलोमीटर तक दौड़ा दिया। पूरे रास्ते में पहिए से चिंगारी और धुआं निकल रहा था। जब पलवल पहुंचने पर लोको पायलट व गार्ड से इस बारे में बात की गई तो उनका कहना था कि ब्रेक जाम होने के कारण धुआं निकल रहा होगा, अभी जाकर जांच करते हैं। उधर सावटी के स्टेशन अधीक्षक हेमराज बघाल का कहना है कि ब्रेक जाम होने के कारण ट्रेन को करीब 5 मिनट तक रोका गया। बाद में ब्रेक को रिलीज कर ट्रेन चलाई गई। मंगला का कहना है कि वह इस लापरवाही की शिकायत रेल मंत्री और DRM से करेंगे। ओल्ड फरीदाबाद स्टेशन पर रेलकर्मियों की लापरवाही एक बार फिर सामने आई है। पुरानी दिल्ली से चलकर पलवल जाने वाली शटल प्लेटफॉर्म पर आकर चली भी गई लेकिन अनाउंसमेंट नहीं हुआ। इस लापरवाही के चलते प्लेटफॉर्म पर एक पर बैठे कई दैनिक यात्रियों की ट्रेन छूट गई। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मरम्मत का काम चलने के कारण पुरानी दिल्ली से चलकर पलवल जाने वाली 64064 शटल हजरत निजामुद्दीन से चलाई जा रही है। शनिवार का भी यह ट्रेन निजामुद्दीन से चलाई गई। शनिवार को यह ट्रेन रात 8:50 बजे ओल्ड स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर आकर चली भी गई लेकिन पूछताछ केंद्र से इस ट्रेन का अनाउंसमेंट ही नहीं किया गया। इसी समय प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर छत्तीसगढ़ और पंजाब मेल के आने का वक्त हो चुका था।